संसारपुर गांव में दहशत भरा है, पुलिसिया बर्बरता जारी है। पुलिस की कार्यशैली से तो ये लग रहा है कि पूरा गांव ही दोषी है। आखिर जब पीटा जा रहा था तो जेल प्रशासन क्या कर रहा था? प्रदीप को जब जेल में पीट रहे थे, जो वहां के पुराने कैदी, इनको क्या मामला है कि इनको पीटा? देखिए, अभी इसी बीच हमारे साथ अभी मिल गए हैं यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, जो कि घटना जिस दिन से हुई है यहाँ पे कैदी प्रकरण जो हुआ उसी दिन से ये उस न्यूज़ को कवर भी कर रहे हैं और ग्राउंड ग्राउंड जीरो से जो है ये जुड़े हुए हैं। तो आइए संक्षिप्त में इनसे जो है कुछ जान लेते हैं। क्या मतलब आप ग्राउंड जीरो पे कवर कर रहे हैं न्यूज़, क्या लग रहा है यहाँ का, क्या माहौल है? देखिए, माहौल पूरे गांव में, संसारपुर गांव में दहशत भरा है, पुलिसिया बर्बरता जारी है। जिस दिन से 27 तारीख से सड़क जाम हुआ है, और उधर से भी पथराव हुआ, उधर से भी लाठीचार्ज हुआ, गोली चलाई गई, हवाई फायरिंग किया गया, उस दिन से गांव में मतलब दहशत का माहौल है। एक भी पुरुष आपको नहीं मिलेंगे, एक दो बुजुर्ग महिला के भरोसे 100-150 घर का जो है रखवाली हो रहा है, और कोई देखने वाला नहीं है ये लोगों। हम लोग जो है, जो सच्चाई है उसको रोज रख रहे हैं, जिला प्रशासन भी अभी तक कुछ नहीं, मतलब कोई। अब जो नामजद है, पुलिस की तरफ से भी वीडियोग्राफी कराई गई थी सड़क जाम का, तो उसमें जो नामजद आरोपित हैं उन लोग को तो अभी तक पकड़ नहीं पाई है, लेकिन महिला पुरुष बच्चा ये लोग को रोज पुलिस छापेमारी के नाम पे टॉर्चर कर ही रही है इन अभी लोग भी हम के। कुछ महिलाओं से बात कर रहे थे, इक्का दुक्का पुरुष हमको दिखे जो कि चोट चोट लगा हुआ था, वो लेटे अवस्था में थे कोई। वो लोग किसान हैं, वो लोग बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग अपने मवेशियों की सेवा करने वाले हैं, वो लोग पथराव में शामिल नहीं हो सकते। हम लोग भी इसकी छानबीन किए हैं, हम लोग भी पड़ताल किए हैं, तब बात कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है यहाँ पे पुलिस की कार्यशैली कैसे दिख रही है आपको? पुलिस की कार्यशैली ठीक है, पुलिस पर पथराव हुआ है, कुछ उपद्रवी लोग होते हैं सब जमात में, पुलिस पे भी पथराव हुआ, एक सिपाही घायल है, इस बात को माना जा सकता है, लेकिन पूरे गांव इसके लिए दोषी नहीं है। पुलिस की कार्यशैली से तो ये लग रहा है कि पूरा गांव ही दोषी है। छोटी छोटी बच्चियां, छोटे 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 बच्चे, महिलाएं, एक प्रसूता महिला थी, अभी 2 दिन पहले उनका प्रसव हुआ, हम कल उनसे बात कर रहे थे, वो अपने बच्ची को लेके किसी दूसरे अन्यंत्र दूर के रिश्तेदार के यहाँ चली गई है। मतलब हम ऐसा लोग दहशत है कि प्रसूता महिला गांव छोड़ के भाग रही हैं। कल कल हमारे सामने, हम जब बात करने आए तो हमको लग रहा था कि हमको कुछ कर देगी, मतलब इस तरह से आक्रोशित थे पुलिस, मैंने प्रेस वालों के साथ भी इनका ऐसा आक्रोश है। वो लोग सोचते हैं कि लोग हमको फंसाने आया है, सिर्फ पुलिसिया कार्रवाई, बर्बर कार्रवाई जो चल रही है उसके चलते हम लोग भी दोषी हैं। तो क्या लग रहा है अब इस पे राजनीति भी शुरू हो रही है क्या? राजनीति अब शुरू होगा ही, जो इनके जमात के नेता, दूसरे जमात के नेता सब आएंगे यहाँ, लेकिन कोई ऐसा क्यों हो रहा है कि वह बोलेंगे जाएंगे, लेकिन कोई भी जिला प्रशासन से ये मांग नहीं करेंगे कि इसकी मौत, जहाँ प्रदीप यादव की मौत की शुरुआत हुई, कांड का शुरुआत जमुई जेल से हुआ, प्रदीप यादव को वहाँ पीटा गया, उसके बाद जैसा इनके परिजन का आरोप है कि प्रदीप को वहाँ पीटा गया, उसके बाद उसकी स्थिति बिगड़ी, जमुई सदर अस्पताल लाया गया, वहाँ इसकी मौत हो गई, जो घटना का शुरुआत जमुई जेल से हुआ है। घटना का थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप, अगर आप 4-5 दिन से इस पे खबर जो है लिख रहे हैं तो उसका थोड़ा सा विवरण बताएं। देखिए, घटना प्रदीप यादव का जो मौत हुआ, उसका परिजन लोग का कहना था, सदर अस्पताल जब इनको लाया गया इलाज के लिए, तो परिजनों का कहना था कि इनको छाती से ऊपर गर्दन तक पूरी तरह से पीटा गया था, और ठंड के मौसम में जब वहाँ पे पिटाई हुई तो इनकी हालत नाजुक हो गई जेल में, और जेल प्रशासन द्वारा तब जाके इसको सदर अस्पताल लाया गया। आखिर जब पीटा जा रहा था तो जेल प्रशासन क्या कर रहा था? प्रदीप को जब जेल में पीट रहे थे, जो वहाँ के पुराने कैदी, इनको क्या मामला है कि इनको पीटा, और 20,000 तो 30,000 रंगबाजी वसूलते हैं वहाँ के कैदी लोग, तो इसमें जेल प्रशासन की भी मिलीभगत है। जेल प्रशासन नहीं अगर चाह लेगा तो वहाँ कैसे, जेल तो सुरक्षित स्थान है, कैदी को सुधारने के लिए रखा जाता है वहाँ, इसका मतलब सब कैदी मर जाएगा इस तरह में आपस में लड़के, पुराने कैदी नए कैदी को मार देंगे उगाही करने के चक्कर में। जेल प्रशासन क्या कर रहा था वहाँ? जेल मैनुअल पे सवाल है, जेल की सुरक्षा पे सवाल है, कुल मिला के मतलब इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। पूरे पूरा घटना की उच्च स्तरीय जांच हो, और ग्रामीण जो परेशान है, महिला बच्चियां परेशान है, उन लोग को परेशान करना बंद करें, और जांच हो इसकी, कि मौत की जांच हो। कार्रवाई तो होगी, पुलिस पे पत्थरबाजी हुई है, उस पर उसकी उसकी कार्रवाई होगी, पुलिस घायल है, दोषी जो है उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन घटना की भी जांच होनी चाहिए। घटना की शुरुआत जमुई जेल से हुई है। तो चलिए, ये थे हमारे साथ स्थानीय पत्रकार आनंद कंचन जी। बाकी हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अपना जम्मू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।